सब लोग इंतजार कर रहे थे मनीषा रानी का। हालांकि मनीषा रानी के तो बारे में पता चल गया है, पर अब आकांक्षा और पलक जो है वहां पर पहुंच गए हैं। आकांक्षा ने जो है अपनी बड़ी बड़ी आंखें और भी ज्यादा बड़ी करके मीडिया को दिखाई। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है यार, सब लोग इंतजार ही कर रहे थे कि मनीषा आएगी मनीषा आएगी, और जैसा इंतजार आप लोगों का है वैसा ही इंतजार जो है मीडिया कर रही थी मनीषा रानी का। क्योंकि मनीषा रानी की वजह से ही जो है लोग इंतजार करते हैं कि भाई वो कब आए, और उसी मनीषा रानी ने पूरा सीजन कंटेंट दिया, और यहाँ पर भी जो है मनीषा रानी की वजह से ही कंटेंट मिलने वाला था। पर अब जो है सब लोग, जितने भी लोग आ रहे हैं, एटलीस्ट उनको उनकी वीडियोस वीडियोस तो पकड़नी है, उनसे बात तो करनी है। जैसे ही पलक और आकांक्षा आए जो मीडिया जो है उनके ऊपर कूद पड़ी। हालांकि मीडिया को भी थोड़ा बहुत सब्र करना चाहिए, पर आखिरकार काम तो काम है, क्या करें। सब लोग वीडियो बनाने लगे हुए हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा कि बस जाने ही नहीं दे रहे हैं अंदर। वहां पर साइरस साइरस की बीवी भी वेट कर रही थी, पर वहां पर आकांक्षा ने बोले दूर होके साइड हो जाओ, फिर फोटो खिंचवाएंगे। आंखें बड़ी बड़ी करके और भी ज्यादा बड़ी बड़ी दिखा दी हैं। चाहे मनीषा आए चाहे वो ना आए, मनीषा रानी की चर्चा जो है हमेशा चलती रहेगी, और मेरे चैनल पे तो चलती ही रहेगी हमेशा। गॉसिप मनीषा रानी से जुड़ी हुई, और दूसरों को तो मैं जो एक्चुअली में हेट फैलाते हैं उनको तो मैं जवाब देती ही रहती हूँ। पर आज बहुत ज़्यादा गॉसिप होने वाली है, मुझे लगता है कि आज रात भर मैं जागने वाली हूँ। आपका क्या ख्याल है, पार्टी देखते देखते पार्टी करोगे या नहीं? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।